खत्म नहीं हो रही मनीष कश्यप की मुश्किलें। अब मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में लगा एनएसए। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें अब खत्म होने वाली नहीं है। बिहार के बाद अब मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बड़ी कार्रवाई हुई है। मनीष पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसका मतलब ये है कि मनीष कश्यप अब लंबा नपेगा। उसे ना ही बिहार में कोई राहत मिली और ना ही तमिलनाडु में। फेक न्यूज फैलाकर तमिलनाडु और बिहार में बवाल मचाने वाले मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु की जेल में रहना होगा। तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने मनीष को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से गिरफ्तार करके लाई थी। तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट में मनीष को पेश करने के बाद पुलिस को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, जिसमें उससे पूछताछ की गई। इसके बाद उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। अब मनीष कश्यप ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की है। बुधवार को उसकी तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इससे पहले मनीष कश्यप पर एक और FIR दर्ज हुई है। ये FIR बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में की है। मनीष कश्यप के अलावा उसके सहयोगी रवि पुरी और अमित सिंह को भी इसमें नामजद किया गया है। विवादित वीडियो में मनीष गांधी की मौत पर जश्न को लेकर बात करता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर मनीष कश्यप पर एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है। अपनी अनशंट वाली पत्रकारिता के नाम पर क्लिकबेट कमाने वाला और बकवास करने वाला मनीष तिवारी बिहार की सरकार गिराने की धमकियां देता था, लेकिन अब उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। खबरों के मुताबिक मनीष कश्यप ने पटना में ही फेक वीडियो शूट किया और उसे शेयर करके दहशत फैलाई। मनीष कश्यप जैसे फेक न्यूज फैलाने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, इस बारे में अपनी राय जरूर साझा करें। आपसे अपील है कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस QR कोड को स्कैन करके अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही अकाउंट डिटेल्स और UPI के जरिए भी हमें मदद भेज सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।